हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इदरीसी बटन स्टोर में। आज कई दिन हो चुके हैं, मैं आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाया हूँ। आज लगभग जो है चौथा या पांचवा दिन है, तो वो क्यों नहीं कर पाया हूँ उसका रीज़न ये है कि कुछ मेरा सामान कुछ ज़्यादा ही ढेर सारे, मतलब जो है गमले जो मैंने जैसा आपके बताया था गुलाब के, जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरा रिपोर्टिंग का भी काम चल रहा था, अभी फाइनली आज हो जाएगा, देखते हैं। फिर उसके साथ मैं आपको भी फ़िलहाल ये दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अपडेट रोज़ का जो कि मैंने लगाए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर आप उसके साथ वीडियो को एंजॉय भी करते रहिए, आपके साथ बात भी साथ के साथ करते रहेंगे। और बाकी जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैंने कौन से गुलाब कहाँ लगाए हैं और क्या तरीका है, वो तो फिर बाद में सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसकी, तब आप उसको बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कुछ जो मेरे ग्रो बैग्स में लगे हुए थे वो सारे मैंने अभी ग्रो बैग्स कंप्लीट नहीं हो पाया, हालांकि चार छः अभी रह गए हैं ग्रो बैग्स लगाने के लिए। तो ये मेरे ग्रो बैग्स में जो रोज़ लगाए थे मैंने, उनकी कंडीशन आप देख सकते हैं इस तरीके से। अभी मैंने इसका फूल तोड़ लिया है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ सैम्पल बतौर, ये देखिए ये ब्लैक लेडी है या ब्लैक बकरा, वो तो अभी थोड़ी और ठंड पड़ने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जितना ठंड पड़ेगी उतना ही इसका जो है कलर जो है डार्क होता चलाएगा मेहरून। तो ये मैंने तोड़ लिया है, और भी मैं तोड़ता रहता हूँ गुलाबों के, मतलब जो है फूलों को कि कब्रिस्तान पे डालने के लिए। तो ये मेरे अडेनियम के पौधे हैं, इनके बारे में भी वीडियो अभी बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरी वीडियो, ये जो मेरे प्लांट जो नर्सरी से रोज़ ख़रीदा था मैंने, ये वो है। यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी सारे, मतलब जो है मेरे गमले यहाँ पर छत घिरी हुई है सारी, जो थोड़ी बहुत जगह है। और बाकी ये मैंने स्टैंड रोज़ कुछ जो है अभी रिपोर्ट किए हैं, इसके बारे में मैं आपको कम्प्लीट वीडियो बताऊँगा कि किस तरीके से लगाना है, कितने स्थिर, मतलब एकदम बिल्कुल सीधे, एकदम से स्टैंड, बिल्कुल एक नंबर के प्लांट लग रहे हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ, तो मैंने अभी आपको दिखा दिया थोड़ा सा, और बाकी उनको भी मुझे कुछ प्लांट जो है वहाँ से भी अभी हटाने हैं, और वहाँ पर भी कुछ रिपोर्टिंग का सीन करना है। हालांकि यहाँ लेपेस्टिक एग्लोनेमा भी ऐसे ही रखी हुई है, देख सकते हैं आप बीच बीच में, तो इनको भी मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, क्योंकि कोहरा अब आने वाला है, कोहरे का टाइम है। ये जो हिबिस्कस है मेरा, ये पिछले लगभग पिछले साल का, तो ये बड़े साइज़ का हिबिस्कस है जो कि मुझे पसंद नहीं है इस तरीके के हिबिस्कस। जो मैं अभी पिछली वीडियो जैसे आपने मेरी देखी थी नर्सरी से, मैं कुछ प्लांट खरीद करके लेकर आया था, तो वो वाले हिबिस्कस जो ड्वार्फ वैरायटी का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ कितना खूबसूरत और लाजवाब प्लांट लगता है वो, और उसकी हाइट भी छोटी सी रहती है, ड्वार्फ वैरायटी बोलते हैं उसको, और उसका फूल भी काफ़ी बड़ा आता है, अब फूल का कलर भी और साइज़ भी दोनों ही काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि अभी काम फैला हुआ था, तो आज छोटा सा मैंने अपडेट आपको देना चाहा कि सुबह सुबह का टाइम है, मौसम सुहावना है, मतलब ठंडा हो रहा है। और ये देखिए, ये हमने सारे जो है रिपोर्टिंग कर दिए हैं, जैसा कि आप वहाँ देखते थे वो मेरे छोटे वाले जो गमले हैं 9 इंची के, वो मैंने इस तरीके से खाली कर दिए, और उसके बदले में जो मेरे ये बड़े साइज़ के जो थे, जो बड़े साइज़ वाले में कुछ प्लांट लगे हुए थे, तो यहाँ से मैंने इन वालों के साइज़ जो है इस वाले में कर दिए हैं फ़िलहाल के लिए, बाकी वक्ती तौर पे। और ग्रो बैग अभी मैं इतने सारे ढेर सारे परचेज़ नहीं कर सकता जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। तो फ़िलहाल ये देखिए, ये मेरा ग्रो बैग में लगे हुए हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं मिल पाया है मुझको कि अब मैं इनको सेट करके भी अभी लगाने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 4 स्टैंड रोज़ यहाँ पर भी मैंने कर दिए हैं शिफ्ट। अब वो जो अमरूद का प्लांट अक्सर आप देखते होंगे उस कोने पर रखा हुआ करता था, इसकी जड़ में एक गुलाब का पौधा हुआ करता था, तो वो गुलाब का पौधा मैंने निकाल करके अमरूद के पौधे को जो है अलग कर दिया है, और वो गुलाब का पौधा मेरे ख्याल से ये वाला था जो मैंने उसमें से निकाला है, और इसी गमले में से निकाल करके ये मैंने बड़े वाले गमले में लगा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इसकी मतलब लुक भी अच्छी है, बट वो गमला देख सकते हैं आप टूटा हुआ है, तो उसी हिसाब से मैं ये लेकर के आता हूँ टूटे हुए, थोड़ा सा किनारी झड़ी हुई या फिर जो है चटका हुआ, तो वो जो है 20-25 रुपये में आपको मिल जाएगा, 12 इंच का गमला ले सकते हैं। मुझे कोई शो नहीं दिखाना है, इसलिए मुझे सिर्फ जो है सिर्फ काम चलाना है, इसलिए ये काम चल रहा है, अब भरपूर काम करेगा ये, बस किनारी झाड़ने से कुछ नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा छोटा सा जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा थ्रिप्स का, एफिड्स का अटैक हो चुका है गुलाब के अंदर, गुलाब के अंदर अटैक हो चुका है, और मैंने अभी इस पर जानबूझ करके जो है अभी किसी भी तरीका का कोई स्प्रे नहीं किया है,
क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अगर बिना स्प्रे किए कब तक ये ऐसे ही रह सकते हैं, क्या ये मौसम जो नई नई कलियाँ निकलती है ना, तो इस टाइम पर जो है गुलाब पर अक्सर अक्सर 99% जो लोगों के पास जो है थ्रिप्स लगती ही लगती है और एफिड्स का अटैक होता ही होता है। जैसा कि आप अटैक्स को जो है अच्छी तरीके से भांप सकते हैं, ये देखिए गुलाब की कंडीशन, ये इसकी अटैक की बात है, जो इसकी कंडीशन इसकी ख़राब हो रखी है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, और भी कई एक दो गुलाब और है मेरे शायद, ये देखिए इस पर भी जो है अटैक हुआ है। और इसके साथ जो इसको मैं अभी NPK नहीं दे पाया हूँ अभी किसी भी तरीके, किसी पर भी कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। और इसकी पत्तियाँ भी आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिलहाल मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ, शायद दिख जाए ठीक से। ये देखिए इसकी लीफ मुड़ चुकी है, इसके भी अंदर एफिड्स का अटैक हो चुका है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और घबराना भी नहीं चाहिए। अगर आप घबराएंगे तो कुछ उल्टा सीधा कर बैठेंगे अपने प्लांट के साथ, तो जो प्लांट जो है डेड हो जाएगा, जो हमारा प्लांट अच्छी खासी कंडीशन में चल रहा है। तो ये आपको नहीं करना है काम, तो आपको सिर्फ धैर्य रखना है। तो मैं आपको आने वाली वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। फिलहाल जो है उसमें जो है किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाइड का ठीटा आता है, ठीटा ठीटा आप ख़रीद सकते हैं अमेज़ोन से, वो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके किसी भी प्रोडक्ट पर जाके अमेज़ोन के, और आप जाकर सर्च कर सकते हैं ठीटा, तो आपको वहाँ ईजिली मिल जाएगा। तो ये मेरे स्टैंड रोज़ अभी रह गए हैं, तो इनकी जो हाइट है काफ़ी अच्छी खासी हाइट है, लगभग 3 फिट के करीब इनकी हाइट है। तो इनको मैं जो है अभी प्रून करूँगा, और बाद में जो है इनको जो है ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगा। तो आपको इसका वीडियो कंप्लीट डिटेल में दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे ये टेढ़े आड़े इधर उधर को भाग रहा है ना, इस तरीके से जो आपको समस्या, अगर आपके पास स्टैंड रोज है तो आप इस तरीके की समस्या का फेस ना करें, जैसा कि मेरे साथ ही हो रहा है। और ये जो लकड़ी मैंने काटी है ना, ये जो है गल जाती है, नीचे से टूट जाती है, मैं कई बार इसको संभाल चुका हूँ, हालांकि कुछ तो ठीक ठाक रहती हैं पर जो है ज़्यादातर गल जाती है। इसमें भी सेफ नहीं आया, चाहे आप तो प्लास्टिक का पैप भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा अभी रिपोर्टिंग का ही काम चल रहा है, रात भी मैंने कम से कम 8-10 गमले ये वाले जो हैं यहाँ से मैंने रिपोर्ट करके रखे हैं। अब बाकी मैं इनको लगाऊंगा लाइन बाई लाइन, और आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूंगा। तो फिलहाल ये देखिए कितने स्थिर एकदम से सीधे स्टैंड रोज मेरे लगे हुए हैं, और इसका तो काफ़ी अच्छी कलियाँ देखें कितनी ढेर सारी आई हुई हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पर आप रिपोर्टिंग का सीन कर सकते हैं घर पर, और अच्छा रहता है। और कुछ जो प्रूनिंग है वो भी आप कर सकते हैं, जैसे ब्लाइंड साइड जो होती है, जैसे इस तरीके की ब्रांच है, इसको आप कट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जो मैं स्टैंड रोज के बारे में जब आपसे बात करूंगा तब। फिलहाल मैं आपको अभी थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश किया मैंने, इस तरीके से मेरे जो है अभी सारा काम सिमट चुका है, जो थोड़ा सा रह गया बस, वो बाकी इंशाल्लाह ताला कल उल में सिमट जाएगा। और मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो प्लांट मैंने पुष्पांजलि रोज़री से लिए थे, वो उनकी कंडीशन देख सकते हैं आप। जैसे लोग बहुत से कंप्लेंट करते हैं अपने रोज़ की, मेरे गुलाब भी देख सकते हैं आप कैसे हैं। ये वाला एक मैंने लिया था, ये गोल्ड मेडल है, इसकी अभी एक बेसल शूट जो है निकल रही है। बाकी ये जो डबल ब्रांच वाला जो है अपना डबल डिलाइट और पता नहीं कौन सी ब्रांच, तो ये मेरी एक ब्रांच जो है ख़राब हो रही है, दूसरी ब्रांच में पता नहीं क्या सीन है। हालांकि उसका होना मुश्किल या ना मुश्किल कुछ भी कहना मुश्किल है अभी। फ़िलहाल इसमें से कई सारे गुलाब जो है वो डेड होंगे, क्योंकि मैंने कुछ फोकस नहीं किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या रहा, मेन रीज़न डेड होने का प्लांट का। फिलहाल बाकी सारे हमारे प्लांट अच्छी हेल्दी कंडीशन में हैं, और मेरे भाई का कुछ का कहना था कि कोकोपीड वाले गुलाब का, तो ये कोकोपीड वाला रोज़ है, कोकोपीड वाला रोज़ भी अच्छी कंडीशन में है, बढ़िया है। और अभी मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है इसमें, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड दिया है, ना ही कोई फंगीसाइड दिया है, इसलिए आप जब रिपोर्ट करें तो उसके 10 दिन के बाद से जो है, 15 दिन के बाद से जो है फंगीसाइड देना शुरू करें, फिर इंसेक्टिसाइड जब नई कलियां शूटिंग शुरू हो जाए इस तरीके से, तो आपको इंसेक्टिसाइड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो है नई कलियों पे जल्दी अटैक करती है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो इतना, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।